बढ़ेगा, 8-20, 8-25 तक जाएगा। नो मैम, कोई नहीं, पर 10-15 प्लीज दे दे दो। मैडम पढ़ना भी है, स्कूल का भी है, हम स्कूल का भी काम करना है, टाइम आ रहे हैं, टाइम नहीं है। लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक, ओके? ठीक है, कोई नहीं, चलो। यस, 2 घंटे तो बस क्लास का नाम है, वो क्लास चल भी रही है 2 घंटे की। हाँ, यस मैम, बात तेज चल रही है। एक्यूरेट 2 घंटे नहीं चले मैम, लगभग 1.5 घंटा। हाँ वही आ गया, आके गालू दे थोड़ा। चलो तो विषम, आप कहाँ थे भाई? माँ आपने तो कहा था 7 बजे क्लास। अच्छा, बहुत अच्छा, 6 बजे लगी हुई है। यही तो लाइव तरीका दिखा लूंगी क्या कहा था मैंने और क्या कहा था। मैम ने प्रैंक कर दिया। भाई अपनी दुनिया में चला हुआ है। वाह कुंजू, वाह विश्व भाई, प्रैंक हो रहा है आपके साथ, वो देखो मोबाइल के ऊपर कैमरा लगा होगा। चलिए, फाइंड द इक्वेशन द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स सो दैट its distance from the axis of x is always 1/2 of its distance from the origin. बहुत बड़ा सेंटेंस है, इक्वेशन ऑफ ए लोकस फाइंड आउट करना है किसका, ऐसे पॉइंट का जो ऐसे मूव होता है कि उसका डिस्टेंस x एक्सिस से हमेशा 1/2 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रहता है। तो पढ़ते पढ़ते दिमाग में फिगर तो बन ही गया है आप लोगों का, बना है कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। अभी तो नहीं, अभी बन जाएगा जैसे मेरा बनेगा वैसा मैम आप बनाओगे तो। यस, बन जाएगा, वही तो मैंने कहा। ओके, ओरिजिन क्या है मेरा? ओ यानी कि ओरिजिन है मेरा 0 0, एंड एक्स एक्सिस का क्या कह रहा है, 1/2 ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। 1/2 मतलब ये वाला डिस्टेंस देख रहे हो, ये तो फॉर श्योर होगा ही होगा, दिस इज योर के, क्योंकि आपका जो पॉइंट पी है वो है एच कॉमा के, एंड दिस वन इज, इसको कोई पॉइंट दे देते हैं, पी के संग एम दे देते हैं, इसको एम भी अच्छा अल्फाबेट होता है, एस, ठीक है। चलो सॉल्व कैसे करेंगे हम, पी एम इक्वल्स टू 1/2 ओ पी, सही है। PM कितना है आपका, 1/2 OP, हाफ ऑफ OP है, देन बार के अंदर K इज इक्वल टू, नॉट बार सॉरी, मॉड्यूलस A इज इक्वल टू 1/2 रूट ओवर H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, ठीक है, दिस इज योर H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। सो फॉर्मूला में पुट करोगे तो ये होगा आपका 4K स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जैसे कि हमने सेम एग्जाम्पल का देखा था, सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा ये। सो 3K स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर विच इज योर, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे आपके, x कॉमा वाई, 3y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, x का स्क्वायर, क्योंकि h और k आप x और y से रिप्लेस कर रहे हैं, तो 3y स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर। मुझे किस बच्चे ने व्हाट्सएप में मैसेज किया था अभी कि क्लास का टाइम हो रहा है? मैंने मैं पहाड़ी भाषा में मतलब बात कर रहे थे, मैं सर दर्द हो रहा था, मैं पहाड़ी में थी। थैंक यू, थैंक यू, बेटर होता अगर आप मुझे कॉल कर देती तो ज्यादा बेटर होता। नो मैम, बस एक भी नहीं है मैं, जैसे 2 घंटे की क्लास ना, जैसे 5-10 मिनट ब्रेक और उसमें बात। अच्छा जी, बात आपको मैं बताती हूँ ना, जो की बहुत सच्चाई है, काफी टाइम मिला आपको बात करने का, मैंने सुना भी नहीं आपने क्या क्या बातें की, ठीक है। 2 घंटे की क्लास ना इस जन्म में आप लोग ना लगा पाओगे, उसमें से आधा घंटा तो मान लो इधर उधर जाना ही जाना है, तो बच्चा कितना है, 1.5 घंटा, फिर भी आधा घंटा नहीं गया, फिर भी कुछ टाइम हमने बचा लिया, उसको यूटिलाइज करते हैं। चलो, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस, अभी भी 45 मिनट है आपके पास, ठीक है, 45 मिनट कुछ होते हैं,
find the locus of a point whose distance from the point 1, 2 is equal to its distance from the axis of y. इसका भी फिगर आपके दिमाग में बन गया होगा नहीं बना अब बन जाए नो मैम अब बन जाए पप्पी में भी नहीं बना क्या क्या देखो फिगर कैसे बनाया जाता है फिगर मेरे पास भी बना बनाया नहीं है बट मैं कैसे बना रही हूँ पढ़ के ही तो लोकस ऑफ पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 1 2 इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ y एक्सिस ऑफ y क्या होता है वो तो पहले जान लो एक्सिस ऑफ y क्या होता है y एक्सिस में एक्सिस ऑफ y y एक्सिस होता है कि x होता है क्या अभी तो इससे पहले देखा था फर्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में देखा था ना एक्सिस ऑफ y क्या है मतलब डिस्टेंस ऑफ y फ्रॉम दिस एक्सिस डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम दिस एक्सिस तो उसका उल्टा यानी कि x कैसे देखा था आप लोगों ने अच्छा यहां से देखा था समझे यस मैम तो ये हो जाएगा आपका h ठीक है क्योंकि ये जो पॉइंट होगी आपकी वो होगी पी एच कॉमा के एंड यहाँ से अगेन एक पॉइंट और आपको लेना है दैट इज योर ए 1, 2 ठीक है ये आपके पॉइंट्स हो गए इसको एक नाम दे देते हैं जैसे कि m तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाते हो तो मुझे पता है मेरा y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इक्वल्स टू में ले जाओगे तो 2x माइनस 1 हो जाएगा बताते हैं ये कैसे आएगा आपको मैं बताती हूँ चलो सो मेरा AP इज इक्वल टू PM AP इज इक्वल टू PM ट्रू ठीक है देन रूट ओवर एच माइनस 1 द होल का स्क्वायर प्लस के माइनस 2 द होल का स्क्वायर इक्वल्स टू आपका ये क्या होगा मॉड ऑफ एच हो जाएगा ठीक है ये मॉड ऑफ एच में चला गया क्या फर्क पड़ता है एच मॉड में भी रह जाए तो एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 प्लस के माइनस 2 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर ओके ये एच का स्क्वायर एंड ये एच का स्क्वायर अगर आप कट कर देते हो तो आपके पास बचेगा के माइनस 2 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2h माइनस 1 एंड हमें क्या पता है कि k को और h को हमें किससे रिप्लेस करना है x कॉमा वाई से आपको रिप्लेस करना है के एंड एच को यस मैम दिस शुड बी योर फाइनल इक्वेशन y माइनस 2 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 1 देन आपको लगता है लोकस के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में आप करवा रहे हो तो आते ही होंगे आते ही होंगे नहीं आते आप करवा रहे हो तो भी करवा रहे मैं तो एमी क्लियर करवाने के लिए करवा रहे हो फिर आप अरे भाई ऐसे नहीं आते हैं मगर आते हैं तगड़े वाले यही नहीं करोगे तो वो कैसे करोगे जो आते हैं मैं तो बोल रही हूँ आते होंगे तभी आप करवा वाले मैम आते हैं यस मैम वही तो बोल रहे हाँ वही बोल रहे हैं ना सेम सेम यस मैम वही तो बोल रहे सबने अपने मार्क्स बताए कितना लेकर आए हो सबके सब 100 भाई सेंचुरी किसने मारा है 300 में 300 में सेंचुरी किसने मारा मैम कितने नंबर का था 307 का यस नंबर भी नहीं पता 307 का वो टेस्ट नहीं होना था सो सॉरी फॉर दैट कुछ वहां पे ना एरर था 300 नंबर के टेस्ट होने थे आपके बट आप लोग 360 में भी 330 और 340 लाए मैं तो वही देख के खुश हो रही थी आपके बराबर सही आए नंबर विश्व के कितने थे हाँ विश्व के किसके विषम के यस मैम बच्चे पूछ लीजिए विषम यही है क्लास में भाई बता दीजिए उपस्थित है ये कितने नंबर आए थे आपके पूरे आए होंगे क्या मेजर टेस्ट में 300 इनके नंबर पूरे आए हैं क्योंकि मार्क्स तो 300 का ही था अरे तो विषम ने अगेन 300 में 300 लाया है 360 का था 360 का नहीं होना था ना वही तो दिक्कत है तो वह हम 360 लेके चलेंगे मैम तो मेरे में पूरे ही हुए हाँ आपके भी हुए सुजन आप तो विषम से भी ज्यादा ले आए हो विषम ने तो 300 में 300 लाया आप 300 में 330 ले आए हो ये बात है 360 में 330 मतलब 300 का होता तो ज्यादा ही ले आए आप आपने भी मारा है मतलब इनटू टू सेंचुरी
सेंचुरी नहीं ट्रिपल सेंचुरी हो गया ये तो, और किसी के आए सेंचुरी नंबर, मतलब और किसी के नंबर आए थे? यस मैम। आप लोग नहीं बताते, सोचते हो क्या बताएं, इतने सारे टेस्ट होते रहते हैं, है ना, बोरिंग लगता है आपको मार्क्स शेयर करना, बुरा लगता है मैम अंदर से गिल्ट फील होता है, नहीं भाई मैं बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाती हूँ, मैं बस पढ़ाती हूँ, स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। चलिए, सो रॉड ऑफ लेंथ एल स्लाइड्स विथ इट्स एंड ऑन टू परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर तो है ही, फाइंड द लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, आपको पता है क्या फॉर्मूला? यस मैम। यस मैम, ये होता है यस मैम, एक्स वन, ये एक्स इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, सही लिखा है मैंने, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन वाई टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। ठीक है, वही होता है जो आपने बोला है। बट इक्वल्स टू में क्या होता है, किसके इक्वल? ए इक्वल्स टू एम एम मे बी, जिसको हमने मिड पॉइंट निकालना है ना, उसकी जो होती है लाइन का। ओके, बट एक जनरल फॉर्मूला जो होता है मिड पॉइंट का, एम से हो जाता है। एम, यस मैम। अच्छा, यस मैम, ठीक है, चलो, मैंने नहीं बताया, मुझे लगा बेसिक है, आपको पता ही होगा। सो एनीवेज, चलो डायग्राम बनाना इसका बहुत जरूरी है। रॉड ऑफ लेंथ एल, इसने बोला है परपेंडिकुलर, मतलब पहले तो लेंथ एल बना लेते हैं, तो ये हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, एंड ये परपेंडिकुलर है आपका, दिस इज एल, दिस इज योर परपेंडिकुलर, एंड ए और बी, यानी कि इसको ए नाम दे देते हैं, इसको हम बी दे देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दोगे जीरो ए, एंड बी के दे दोगे आपको जीरो कॉमा बी, ये जो डिस्टेंस है आपका ये ए हो जाएगा, एंड ये वाली जो डिस्टेंस है आपका ये बी हो जाएगा। एक मिनट, चल जा, अरे शनि राज हो गया मैम, बोल रहा बस करो अब, चलो अभी तो शुरुआत है। ये बी, ये ओ है, एंड जीरो जीरो, ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अभी भी नहीं कर सकते, हमें क्या चाहिए अभी, पी कॉमा एच के, तो इसका मिड पॉइंट आपको लेना है, ये होगा आपका पी एच और के। सो मुझे क्या पता है कि मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एल का स्क्वायर, ये मेरा फॉर श्योर होने वाला है। सो एच इज इक्वल टू ए प्लस ओ अपॉन टू, सही है, एंड के इज इक्वल टू बी प्लस ओ अपॉन टू, this implies a is equal to 2h and b is equal to कितना हो जाएगा 2k and this is your 2h, ठीक है, so now 2h the whole का square plus 2k the whole का square is equal to l square, so 4x square plus 4y square is equal to l का square, ठीक है, यही हो जाएगा, आपने x और y से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, सो द लोकस ऑफ इट्स मिड पॉइंट इज 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, इज इट ओके फॉर यू बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो देखते हैं और कुछ है आपके लिए? नो मैम। है चुप रहो, नो मैम, रुक जाओ, अब आपको स्लोप ऑफ ए लाइन पढ़ना है, लोकस आपने पढ़ लिया, देन स्लोप पे चलते हैं, एंड जैसे स्लोप खत्म हो जाएगा फिर आएंगे वापस हम। x2 minus x1 upon y2 minus y1 y2 minus y1 upon x ना पढ़ाऊं क्या, सब तो जानते ही हो, क्या पढ़ाऊं फिर, स्लोप ऑफ ए लाइन आपकी मर्जी, सबको बताए y2 minus y1 upon me x2 minus x1, हाँ स्लोप ऑफ फिजिक्स पढ़ा दो, फिजिक्स पढ़ा दो,
मैम स्लोप ऑफ हिल्स नो मैम अच्छा ठीक है स्ट्रेट लाइन नहीं नहीं चलो एक एक करके ही जाते एक बात थी यार m tan थीटा इज लाइन y2 minus y1 upon x2 minus x1 आपसे मैं पूछती क्यों हूँ चलो मैं अपनी मर्जी से ही पढ़ाऊँ वही सही है इंक्लिनेशन एंड स्लोप देखो अभी तक तो सब नो ही चल रहा था बहुत मुश्किल से यस हुआ है तो उसको यस रहने देते हो ना यस मैम चलो अच्छे बच्चे हो ना आप लोग अच्छे से काम यस मैम मुझे जेई बैच टू वाले भी बहुत अच्छे हैं एंड वन वाले भी अच्छे हैं यस मैम मुझे गलत प्रूफ मत कर देना भगवान को ठीक है टू वाले भी वन वाले बना रहे चलो बातें बाद में करेंगे पढ़ाई को लेकर माहौल को खराब मत करो यस प्लीज हाँ सबके सब अभी चुप जाते हैं यहाँ पे देखते डायग्राम में बना जा रहे हैं तो डायग्राम बन रहा है ना कुछ समझा अच्छा सो ये एंगल आपका थीटा है ये एंगल ये पॉइंट पी आर एस एंड हम सबको पता है कि ये जो लाइन होती है हम किसका स्लोप निकालते हैं किसका एम पी एस ओके एम इज इक्वल टू टैन थीटा ठीक है एंड दिस इज योर एल एक पॉइंट यहाँ पे आप दे सकते हो विच इज योर क्यू टू एंड एक पॉइंट आपको देना है कहाँ पे ये तो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा See, यहां से एक पॉइंट निकला आपका दिस इज योर Q2 एंड दिस एंगल इज योर U1 तो स्लोप का फॉर्मूला बनता कैसा है इंक्लिनेशन या फिर स्लोप QR अपॉन SR इज इक्वल टू कहां है आपका QR अपॉन SR विच इज इक्वल टू योर PR अपॉन SR That is tan theta one is equal to आपका हो जाएगा tan theta two theta one theta two या theta and theta one ले सकते हो tan theta का formula आप सबको पता है क्या होता है perpendicular upon base होता है right yes ma'am ठीक है now एक और diagram बनाते हैं वहां पे slope का formula निकालना है हमें diagram से So now एक लाइन बना दिया आपने ठीक है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आपने बना दिया यहाँ पे आपका हो गया क्या एंगल थीटा एक पॉइंट मैंने ले लिया है ए एंड एक पॉइंट मैंने ले लिया है बी ये स्लोप लाइन आपका एल है एंड दिस इज योर एम टैन थीटा ठीक है बी को ले लो x2 y2 a को ले लो x1 comma y1 एंड यहां से अभी आप समझ गए क्या करना है आपको एक ट्रायंगल फॉर्म होगा दोनों पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं सो जब आप इसको यहां पे जोड़ोगे तो क्या होगा ट्रायंगल ही तो फॉर्म होगा ना यस मैम एंड ये आपका अगेन x2 minus x1 ये हो जाएगा y2 minus y1 एंड यही से आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाता है राइट ये वाला yes, पूरा एक्स हो जाएगा ये पूरा वाई हो जाएगा तो मैं उतना नहीं बना रही हूँ सो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम टेन थीटा एम इज इक्वल टू होता है वाई वन माइनस वाई टू अपॉन में एक्स वन माइनस एक्स टू ये वाले फॉर्मूले को आप लोग यूज कर सकते हो ठीक है यस मैम डन आगे बढ़िए हाँ आप ब्रिलियंट हो हाँ मैं ब्रिलियंट हूँ ये तो आप भी पढ़ लोगे तो आप भी ब्रिलियंट होगा ये तो आप भी ब्रिलियंट नो मैम नो नंबर तो हमारा टीचर है जो वो हमारे से ज्यादा होगा व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन
जब आप लोग एनआईटी और आईआईटी का सीट लेकर निकलोगे ना तो फिर आप लोग हो जाओगे ब्रिलियंट क्या नो इसमें तो यस बोलो कहीं तो पॉजिटिव इंक्लिनेशन इज कुछ अच्छा बोलो तो उसमें भी नो बोलते हैं माला लेके जाओ आप लोग यस मैम आप बोलते हो यस यस बोलते रहते हो मैंने सबको बोला है कि मेरे स्टूडेंट्स कितने अच्छे हैं आज आप लोग मुझे गलत प्रूव करके ही मानोगे आप लोग ना बात मत करो चुप रहो ताकि जो सच्चाई है वो बाहर ना आए व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखो स्लोप ऑफ ए लाइन बताना है जिसकी इंक्लिनेशन इज सी नंबर वन में 0 degree का बताना है नंबर 2 45 degree नंबर 3 90 degree बहुत महान है हम जो कि ये बता देते हैं 0 degree में क्या होगा इंक्लिनेशन 1 क्योंकि m tan 0 degree इज इक्वल टू 0 होगा आपका 45 degree में क्या होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 45 degree ये 1 की तरफ हो जाएगा 90 degree में क्या होगा नॉट डिफाइंड tan 90 degree इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड क्यों नॉट डिफाइंड होगा आपको कैसे बनेगा स्ट्रेट ही बन जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा स्लोप ऑफ ए लाइन चलो ठीक है ये क्विज और अगर मैं 150 बोलूं तो 180 माइनस 30 कर दोगे तो कितना हो जाएगा मैम वो तब करके देख लेंगे 1030 की वैल्यू माइनस 1/√3 वही हो जाएगा मैंने नहीं किया वो उतना करने का टाइम नहीं है चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अभी स्लोप का ही हम लोग थोड़ा करते हैं सॉल्व फिर से जाएंगे लोकस पे फाइंड द slope of the line which passes through origin and the midpoint of the line segment and the midpoint of the line segment joining the point -13.4 and 7.2 यस बोलिए हाथ रेस किया है बताइए क्या हुआ कुछ बताना बताना है नहीं आपको सिर्फ हैंड रेस करना सी इसका डायग्राम कैसे बनेगा स्लोप ऑफ ए लाइन जिसका जो कि आपके ओरिजिन से पास होकर के मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द दिस पॉइंट्स मतलब दोनों नाम देने हैं आपको दो पॉइंट्स को जॉइन करने हैं बेसिकली कैसे करोगे ऐसे कर लोगे आप एंड ये आपका क्या है ओरिजिन है ओरिजिन से ये पॉइंट आपका पास हो रहा है राइट एक को आप ए दे दो -13.4 एक को क्या दे दो 7.2 एंड ये हो जाएगा आपका m तो m कितना होगा -3.3 ये अभी आप निकालो कैसे निकालो m o m is equal हाँ बताओ मैं डायरेक्ट लिख दूँ यस मैम -3 -0 which is equal to -1 आपने बोला डायरेक्ट लिख दो मैंने लिख दिया मैम लिख तो दिया हुआ तुम्हें हाँ यस मैम आपने लिख दिया और क्वेश्चन हो गया आपको समझ में आया यहाँ पे हो क्या रहा है तमाशा एम ओ एम
MOM नहीं, तो फिर ये किया क्या हमने? आपको ये समझ में आया यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा? स्लोप ऑफ द लाइन निकालना था, फॉर्मूला मिड पॉइंट का, y2 - y1 y2 - y1 माइनस जीरो और माइनस थ्री माइनस जीरो। अच्छा तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 निकाल के आपको ये मिल गया जो हमने लिखा है? मैम चलिए शायद वैल्यूज करके रखी। हाँ जी बच्चे क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही है मुझे आपकी। चलिए हम लोग इसको ना डिस्कस करके लिखते हैं, ठीक है? क्योंकि आप लोग पे भरोसा है नहीं, एंड कुछ भी बोलते हो कुछ भी करते हो सब में यस है आपको, टाइम नहीं पास करना है। अब बताइए क्या करना है हमें? फॉर्मूला पुट, कौन सा फॉर्मूला? मिड पॉइंट का। हाँ क्या है वो फॉर्मूला बताइए? x1 plus x2 upon 4 y2 minus y1 upon x2 minus x1 x2 minus x1 mam x2 plus y2 upon x2 minus x1 y2 तो कितना है? पहले थोड़ी देर आउट ऑफ स्टार्टिंग मिड कमिट पॉइंट का फॉर्मूला। हाँ तो क्या लिखा मैंने? x1 minus x2 लिखा था ना, m is equal to मैम आपने तो m is equal to m बोल के था y2 plus अच्छा ओके ओके ये वाला ना ओके ओके यस मैम ये तो m tan थीटा का है, ये है y1 minus y2 upon x1 minus x2 ओके मैम ओके इसके हिसाब से भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, करो तो। चलो इसको चेंज भी कर देते हैं हम, ठीक है हो जाएगा। y1 - y2 x1 - x2 तो y1 क्या है हमारा? 3 - 13 - 3 अच्छा और y2 0। अच्छा फिर ये a और b का क्या है? y2 बट हम इस वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं राइट, हम क्या कर रहे हैं? हम डायरेक्टली थ्री पे फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीजन ये है कि भले ही हमें ए बी दिया हो, y1 आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। y1 y2 x1 x2 है ना, तो y1 हो जाएगा 7 minus 13 that is minus 6 something कुछ आएगा and 2 आएगा। हमें इन दोनों पॉइंट्स को नहीं देखना है, हमें कौन सा देखना है? मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स थ्रू ओरिजिन। इन्होंने क्या बोला है? Which passes through the origin? आपको slope of the line किसकी निकालनी है? जो origin से pass कर रही हो। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया है? क्या आप 7 minus 13 4 और 7 2 को minus करके निकाल सकते हो? Answer कितना निकालोगे? Y1 बोलो जरा, 7 minus 13 13 minus 13 plus 13 एक बात plus बताओ, एक बात बताओ, रुक जाओ, y1 तो 2 और 4 होंगे ना, y कोई तो रुक जाओ, a है मेरा माइनस यस मैम कॉमा 4, ये क्या है? ये x1 है ना? यस मैम यस मैम ये y1 यस मैम y1 और y2 7 होते हैं, कॉमा 2 कंफ्यूज कर रहा है, ये y1 ये y2 यस मैम। नाउ अगर मैं इसके हिसाब से रखूं तो मेरा 7 माइनस 7 माइनस 2 ऑन माइनस 13 माइनस 4 समथिंग विल कम, यानी कि आपका कितना आ जाएगा? 7 माइनस 2 कितना होता है? 5 हो जाएगा, 9 और समथिंग आएगा, माइनस 17। हमें वो सब नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें ओरिजिन को लेकर के एंड 3 को लेकर के इन दोनों को x1 x2 y1 y2 लेकर के सॉल्व करना है। इसीलिए हमने टी माइनस एम ओ एम लिया था, ओ एम को ही लेकर के सॉल्व करना है। यस मैम माइनस 3 माइनस 0 ये तो प्लस 3 हो जाएगा ना, हम दो पॉइंट दिए क्यों?
पॉइंट्स आप और भी दो दे सकते हैं यहाँ पे, एक और लाइन पास कर दिया, टी डी दे दिया, सोचो यहाँ पे 10.20 एंड यहाँ पे 9.16 दे दिया, तो क्या चारों को निकालोगे बैठ के? हमें तो वही निकालना है जो हमसे पूछा है यार। यस मैम। पासिंग थ्रू अ रीजन। मैम जो रीजन से पास करेंगे। हाँ ठीक है बच्चों। स्लोप ऑफ ए लाइन में ना ज्यादा कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, यही वाला रहता है पूरा क्वेश्चन। मेन आपका लोकस इम्पोर्टेंट होता है, स्लोप से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है लोकस, लोकस। इसीलिए स्लोप का बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं करवा रही हूँ, मैं वापस आ रही हूँ लोकस पे। मैंने स्लोप बता दिया कि होता क्या है, एंड लोकस के बाद अगर आप बोलोगे तो मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ा दूं, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट, वो बहुत बेसिक है। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं पहले थोड़ा। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, शुरू हो रहे हैं। वर्टिसेस ऑफ अ वेरिएबल ट्राइंगल, क्लास आपकी ना 1 आवर के हिसाब से प्रिपेयर हुई थी, तो स्लाइड भी उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर थे। आर 3.4 एंड 5 cos theta, 5 sin theta एंड 5 sin theta, -5 cos theta। ठीक है पॉइंट्स देख लेते हैं। वेयर थीटा बिलोंग्स टू आर एंड लोकस ऑफ इट्स सेंटर इज, ठीक है इसका सेंटर का लोकस कितना होगा, ये हमसे बेसिकली यही पूछ रहा है। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो मुझे एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ना, डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो चलो ट्रायंगल बनाते हैं। वर्टिसेस ऑफ ए वेरिएबल ट्रायंगल, दिस शुड बी योर पॉइंट, सेंटर हो गया है आपका, एंड इसको एक पॉइंट दे देते हैं हम लोग, कुछ नाम दिया है इसने नहीं दिया है, तो चलो हम लोग इसको ओ दे देते हैं, ठीक है, एंड इसको दे देते हैं ए, इसको बी एंड सी, सी यस, 5 sin theta, 5 cos theta इन्होंने दिया है, तो बेसिकली हमारा ये जो सारे पॉइंट्स होंगे ये 5, 5 एंड 5 ही हो जाएंगे। ए मेरा कितना है 3.4, बी है आपका 5 cos theta, 5 sin theta, सी कितना है 5 sin theta, -5 cos theta, एंड ओ तो आपको पता है कितना है, ओ इज इक्वल टू ओरिजिन, ओ 0.0, ये ओ कम थीटा ज्यादा लग रहा है, ओ इज इक्वल टू यस। नाउ क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, देखो मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला लगेगा, बट यहाँ पे 2 की जगह 3 आ गए हैं, a+b+c, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था मिड पॉइंट का जिसको g से डिनोट करते थे, 3+5 cos theta, +5 sin theta अपॉन में 3, ठीक है Yes, ma'am. और स्टार्टिंग के 3 ले लिया आपने, नाउ एंड के 3, 4+5 sin theta, -5 cos theta अपॉन में 3, ठीक है हो गया Yes, ma'am. Which is now equal to, यहाँ पे भी आपको पता है कि ये कितने रेशियो में डिवाइडेड है आपका, 2:1 में डिवाइडेड है, राइट अगर मैं बात करूं रेशियो की, सी एक डायग्राम बना के यहाँ पे दिखाती हूँ, ये तो आपने इक्वेशन फॉर्म कर दिया, नाउ दिस इज योर जी, दिस इज योर सी, ले लो इसको ओ ले लो आप, एंड यहाँ से ये आपका कितना है एच के आपके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आपके 0-0 हो जाते हैं, ये 1:2 में है, तभी तो आपका 3 हो गया है ना, पलड़ा क्या है, एक का भारी है और एक का कम है, ठीक है
इसको अगर आप सॉल्व करोगे, 3 प्लस 5 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा अपॉन 3 इक्वल्स टू h अपॉन 3 हो जाएगा, ये बनेगा पहला इक्वेशन। देन 4 प्लस 5 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 3 विच इज इक्वल टू k अपॉन 3, 3 की जगह बन गया b, k अपॉन 3, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। 3 कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से, बचेगा क्या आपके पास, ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 4 प्लस 3 कितना होता है 7 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 होता है आपका 10, 10 यानी कि मेरा आएगा ये 10 साइन थीटा इक्वल्स टू एच प्लस के, ओके, साइन थीटा इक्वल्स टू एच प्लस के माइनस 7 अपॉन में 10। नाउ ये तो आपने ऐड करके निकाल दिया साइन थीटा, अब एक बार आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या निकलेगा, कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा भी तो हमारा वेट कर रहा है कि कब हम उसे सॉल्व करेंगे, यही पे करते हैं थोड़ा। सो सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 10 कॉस थीटा इक्वल्स टू एच माइनस के, सो आपका कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एच माइनस के प्लस 1 अपॉन में 10, एच प्लस के माइनस 7, एच माइनस के प्लस 1 अपॉन 10। हमें क्या पता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मेरा कितना होता है, इक्वल्स टू होता है 1, तो इन दोनों को प्लस करके इक्वल्स टू 1 कर देना। आई होप आप लोग स्टेप समझ रहे हो, बहुत ही क्लियर स्टेप्स है। एच प्लस के माइनस 7 अपॉन में 10 द होल का स्क्वायर प्लस एच माइनस के प्लस 1 अपॉन में 10 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स वाई के फॉर्म में अगर आप इसको ले रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो, तो एक्स प्लस वाई माइनस 7 द होल का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1 द होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 उधर चला जाएगा, सो 10 दो 10 जाएंगे तो 10 10 का हो जाएगा आपका 100, ये बनेगा आपका इक्वेशन जो वो हमसे मांग रहा था। Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब ऐसे भी यस बोला जाएगा। चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन आपसे करवाते हैं ना, एक हमने किया एक अब आपको। Yes, ma'am. No, ma'am. क्यों? हाँ, कभी होमवर्क करते हो मैथ्स का? कभी करते हो होमवर्क? No, function में भंगड़ा सीखने। एक बात याद रखो, साल खत्म हो जाएगा जब जेई का एग्जाम आएगा। मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज बी सीरियस, 140 करोड़ की आबादी है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक है, और जॉब की कितनी जरूरत है सबको पता है, सही बात तो यही है ना, तो हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि आप पढ़ो सीरियस हो, आपको खुद अपनी जिंदगी देखनी है, आप अपने पेरेंट्स के घर पे रह रहे हो, अब आप सोचो कि आप उनको कैसा घर बना के देना चाहते हो, जिस पे आप उनको रखोगे वो घर कैसे बनेगा, ऐसे तो नहीं बनने वाला, सीरियस हो गए तभी बनेगा। Yes, ma'am. मैंने दुनिया देख ली है, बहुत देख ली है, अब मेरा तो हो रहा है खत्म, देखने वाला टाइम आपका शुरू हो रहा है, तो मैं भले ही आपको प्रेशर ना दूं, कुछ भी ना करूं, बट एंड में आपको यही रियलाइज होगा कि फिजिक्स जो सब्जेक्ट है आपका, फिजिक्स में क्या है, पूरा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, वो इतना आसान नहीं है, मुझसे पूछ लो, मुझे पता है। केमिस्ट्री आपको धोखा दे सकता है, ठीक है, वो ऑन द स्पॉट धोखा देगा। Yes, ma'am. ती निभाएगा तो बहुत अच्छा निभाएगा, वरना वो सब्जेक्ट थोड़ा सा धोखा दे सकता है, थोड़ा भूल गए तो। मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा साथ निभाएगा, फॉर्मूला याद रखोगे तो क्वेश्चन का आंसर बराबर। Yes, ma'am. इसको दोस्त बनाओ। मैम एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे? एग्जाम की तो एक ही तैयारी होती है बच्चों, सिर्फ पढ़ना नहीं है, इम्पोर्टेंट पढ़ना,
इतना पता होना चाहिए कि किस वाले टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे नहीं देना है। और जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, अगर मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन अच्छा ना भी लगे तो एटलीस्ट क्वेश्चन देखो कि करवा क्या रही हूँ, खुद से सॉल्व करो, क्योंकि मैं ज्यादातर जेई क्वेश्चन या सैम्पल पेपर क्वेश्चन ही करवाती हूँ, मैं इधर उधर के क्वेश्चन ही करवाती ज्यादा आपको। सो बेसिकली कुछ नहीं तो हाफ से ज्यादा मार्क्स तो ले ही आओगे, 50% अबव मार्क्स तो बस यही करके ले आओगे, बाकी अपनी मेहनत तो होगी। मुझे मैम अटेम्प्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है, मतलब जैसे एक क्वेश्चन अगर करना तो उसको समझने में काफी वक्त लगेगा। तो वो वक्त कब खत्म होगा? जब प्रैक्टिस करोगे, किसी भी सब्जेक्ट में वही होता है, प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आसान होंगी। यस मैम। लेट ओ 0.0 एंड ए 0.1। सी मुझसे भी बहुत सवाल जवाब किए जाते हैं, एज ए टीचर मुझे जवाब देना पड़ता है कि आप बच्चों को होमवर्क क्यों नहीं दे रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? मैंने बोला मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को प्रॉब्लम है, वो इतना प्रेशर में नहीं करना चाहते, इसीलिए मैं उनको होमवर्क नहीं देती। कभी कभार मूड में आती हूँ तो मैं एक दो क्वेश्चन जरूर देती हूँ और बोलती हूँ कि बच्चों क्लास का पीडीएफ पेपर देख जरूर लेना कि क्या पढ़ा है आपने, बस वही मेरा होमवर्क होता है। लेट ओ एंड ए बी टू फिक्स्ड पॉइंट्स, ये आपके दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। Then the locus of a point P, then the locus of a point P such that the perimeter, अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि perimeter क्या होता है, such that the perimeter of triangle AOP is 4 is, अच्छी बात यह है कि हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि ये जेई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ऐसी वैसी नहीं है। 8x² - 9y² + 9y = 18, बी 9x² + 8y² - 8y = 16, एंड ऑप्शन नंबर सी इज 9x² - 8y² + 8y = 16, ऑप्शन नंबर डी इज 8x² + 9y² - 9y = 18, ठीक है। नाउ द सॉल्यूशन इज, जब भी इसने बोला है कि दो पॉइंट हमारे फिक्स है, लोकस ऑफ पॉइंट निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एओपी, तो भाई सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लो आप, एओपी यहाँ पे इसको दर्शा दो, तो P ले लो इसको, O ले लो इसको, A ले लो। A क्या है हमारा? 0.1, ये है मेरा 0.0 एंड P है H.K, OA + AP + PO = है मेरा 4। इन्होंने बोला था कि पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, ये सबको मिला करके तो पेरीमीटर बन जाता है उसका, सारे साइड्स को मिला के पेरीमीटर बना दो आप इसका। सो फॉर्मूला में अगर लगाओगे तो 1+√(h²+k−1)2√(h²+k²)=4, ठीक है, √(h²+k−1)2 विच इज इक्वल टू 3−√(k)²+k²। Now squaring both sides. अब दोनों sides पे अगर हम square कर ले, right time पे slide आता, चलो इसको ले आते हैं। Thank you. Okay. So, एक बार और इक्वेशन देखें, h² + k−1)2 = 3 − h² + k²। So now this is your squaring both sides. क्या मिलेंगे आपको? h² + k²−2k+1 = 9 + h² + k², -6√(h²+k²).
So 6 root over h square plus k square is equal to आपका ये हो जाएगा 8 plus 2k, ठीक है? This implies 3 root over h square plus k square is equal to 4 plus k, ठीक है? Now again, yes ma'am. Now again squaring both sides. Nine h square plus k square, which is equal to 16 plus k square plus 8k. ठीक है, सही तो कर रहा है. Yes. So 9 h square plus 8k square minus 8k is equal to मेरा हो जाएगा 16. इसको मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर रही हूँ. फर्दर सॉल्व होगा भी कहाँ से करेंगे जब होगा ही नहीं. ऐसा कोई आंसर ऐसा है सच में? देखना पड़ेगा ऑप्शन, मुझे ऑप्शन याद नहीं है. आप रिप्लेस करोगे किससे? एक्स और सी ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर ऑप्शन बी ना. तनिशा माइक ऑफ करो. या फिर ऑप्शन सी, ऑप्शन बी या सी बच्चों. बी राइट, पहले प्लस बाद में माइनस. यस मैम. सेजल की बात सुनी तो मैं सी लिख देती हूँ. मैम भी मैम ने एक साइन में देखे थे. गुस्से में हो गया मैम. बी गुस्से में. मैंने गुस्सा का किस बात का गुस्सा? पता है इंसानों को भी गुस्सा नहीं करना चाहिए. मैं आप भी करते गुस्से. मैं गुस्सा बहुत कम होती हूँ. आज हमारा स्ट्रेट लाइन का पहला क्लास था. पहले क्लास में हमने क्या देखा? छोटी छोटी चीजें देखी. मिड पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लोकस क्या होते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, स्लोप ऑफ ए लाइन, यही सारी चीजें हमने देखी. एंड मैंने आपसे पूछा मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा दूं, तो आप लोगों ने बोला हाँ पढ़ा दो, बता दो होता क्या है. तो चलो बढ़ते हैं आगे. सेक्शन फॉर्मूला से ही तो आपका मिड पॉइंट क्या हो गया. ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला बता तो दें कि क्या होता है. अब मैं अगर क्वेश्चन करवाऊं तो मैं तो बताऊंगी ना कि क्या होता है, वरना फिर मैंने बताया नहीं तो कैसे करोगे आप? करवा दो. सेक्शन फॉर्मूला स्कूल में पढ़ा है तो बता दो. एक्स क्या होता है? एक्स अल्फाबेट एक्स प्लस सी एम वाई प्लस एम प्लस एन y is equal to my2 plus my1 and y upon m plus n. pata nahi kaun sa section formula padh ke mam mam yahi hai wo bhi padho yahi hai. time ho gaya na to us waise eh bhai aap log ki baat mein bhi yahi hai mam. chalenge na to kahin ke nahi rahenge. chat mein bhi yahi hai. a ho jayega aapka x1, y1, ye ho jayega x2, y2, p kya hai aapka x, y hai. कितना भी जान लोगे तो सेक्शन फॉर्मूला यहीं से देख के कॉपी पेस्ट कर सकते हो. सेक्शन फॉर्मूला के बाद आपका क्या आता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला. उसको भी जरा देख लेते हैं. वैसे तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर ही चुके हैं. मिड पॉइंट फॉर्मूला वही एक वर्ड बोलो, फॉर्मूला अच्छा लगता है ना. यस मैम. इसका भी पॉइंट ए ले लो, पॉइंट बी ले लो, पॉइंट पी ले लो. ए ले लो आप x1, y1, बी x2, y2 एंड पी कितना हो जाएगा x, y. 1:1 का रेशियो है अगर आपका मिड पॉइंट का. सो x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 बाय 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू कैपिटल एम ले लो. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना चाहोगे या नहीं? यस मैम. नो मैम. पता नहीं मैम. यस मैम. चुपचाप से करो. नो मैम. यस मैम. होमवर्क दे दूं करके आओगे? दे दो तो ऊपर करेंगे. यस मैम दे दो. हम ट्राई करेंगे. प्लीज ट्राई करना. हां तनिशा माइक म्यूट करो. ए पॉइंट पी म्यूट ही तो है. Which divides? एक ही क्वेश्चन है, प्लीज होमवर्क करना. इफ पॉइंट पी विच डिवाइड्स ए 6, 3 एंड
बी माइनस फोर कॉमा फाइव एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3 ठीक है 3:2 एंड इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी डी देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी आपको पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है ठीक है आपको मैंने होमवर्क तो दे दिया बट करना क्या है वो भी बता ही देती हूँ एक डायग्राम भी बना देती हूँ मैं यहाँ पे ए हो गया ये डी हो गया ये बीच में पी ले लो आप ए हो गया आपका 6.3 और डी हो गया -4.5 एंड ये पी हो गया ठीक है 3:2 के रेशियो में ये डिवाइडेड है फॉर्मूला कोऑर्डिनेट तो बी के दे रखे हैं हाँ कोऑर्डिनेट तो बी के दे रखे हैं बी के तो फाइंड ओके सॉरी ये तो सॉरी ये आपके मिड पॉइंट डी बीच में ये पी जो मैंने लिया बीच में ये आपका क्या है क्या हो डी मिड पॉइंट एक्सटर्नली इन द रेशियो 3:2 एंड इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी डी मतलब ये तो आपका पी ही रहेगा ठीक है पी और डी एक अनदर बनेंगे आपके एंड उसका मिड पॉइंट होगा तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी फाइंड आउट करोगे तभी तो बी और डी बनेगा कैसे स्टार्ट करोगे यस मैम नहीं चाहिए मुझे बताओ कैसे स्टार्ट करोगे एक्स इज इक्वल टू आप यहीं से एक्सटेंड कर सकते हो इसको देखो यहाँ से अगर एक्सटेंड करोगे ना तो ये हो जाएगा आपका डी ठीक ये डी हो गया पी को यहाँ पे नहीं रख के बीच में भी पी रख सकते हो मिड पॉइंट में बी और डी के बीच में भी आप पी रख सकते हो ये वाला डायग्राम भी आपका सही होगा मैं जो बता रही हूँ देखो यहाँ पे इसके बीच में भी आप क्या कर दोगे पी रख दोगे ये तो आपको पता है 3:2 के उसमें डिवाइड होने वाला है मतलब कि अगर आपका ये 3:2 है तो कैसे डिवाइड होगा ये पूरा तो आपका क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा एंड 2:2 कौन सा होगा बी और डी यहाँ तक 2 हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा क्योंकि आपका डी क्या कर रहा है डी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो कितने की रेशियो में 3:2 तो डी अगर डिवाइड करें तो इसलिए मैंने एक्सटर्नल पॉइंट पे इसको बढ़ा दिया ठीक है ये एज अ होमवर्क कर लेना प्लीज प्लीज भी बोल दिया yes, ma'am. इसको कर लेना yes, ma'am. और पढ़ना है किसी को yes, no, ma'am. No, आज के लिए बहुत है टाइम भी होता है चलो बढ़ा दो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना है टेंथ को भी वही पढ़ना है और आप लोग को भी वही पढ़ना है मतलब और कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक नहीं है पढ़ने के लिए लिटरली एक महीने से क्लास टेंथ वाले खाली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं अभी भी नहीं छोड़ रहे कह रहे हम वही पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन खत्म हो गए पढ़ाने के लिए मैम हमें करनी है ट्रिग्नोमेट्री दोबारा से क्यों मैं सिलेबस कम्प्लीट करवाऊं मैम ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसने जेई में नहीं आता है ट्रिग्नोमेट्री उतना स्ट्रेट लाइन भी है कोनिक सेक्शन भी है फिर आपका स्टैटिस्टिक्स है उसे कौन पढ़ाएगा स्कूल के अकॉर्डिंग नहीं चल सके बच्चों हमें तो जेई के अकॉर्डिंग तो हम आपसे पूछेंगे आपको क्या नहीं होगा विषम अभी सिलेबस कंप्लीट करवाना है स्ट्रेट लाइन करवाना है पता भी आपको स्ट्रेट लाइन में कितने लेक्चर लगते हैं आज तो लकीली हमें 2 लेक्चर मिल गए हैं मैं चाहती हूँ रोज मुझे ऐसे लेक्चर मिल जाए आपके बल्ले बल्ले हो जाएगा जल्दी कम्प्लीट क्लास और ले लो अब
सुनो कल जेई वन वालों का है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं जेई टू वालों का भी मर्ज करवा लूंगी। पॉसिबल हुआ आपका क्लास कल कौन सा क्लास है, केमिस्ट्री है किसी का, फिजिक्स है तो शायद कपिश लेंगे अपना क्लास, वो नहीं देंगे मुझे। केमिस्ट्री होगा तो मैं ले लूंगी, देखते हैं मैम सर कब आएंगे। वो तो सर पता होगा भैया, आएंगे सर आएंगे बहुत जल्दी, 6 तारीख के बाद। एक हफ्ते की छुट्टी में गए, वो जल्दी आ जाए। सर ने कहा था मैं 6 तक नहीं लूंगा, उसके बाद क्लासेस 6 तक लीव है सर। मैम आपको पता है परसों शायद खत्म हो रही है, कल मेरा बर्थडे आ रहा है। आपका बर्थडे आ रहा है, याद है मुझे। अभी उसका बर्थडे आएगा, गिफ्ट एडवांस बोल रहे हैं।